नमस्कार दोस्तों, मैं देव कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने एमटीडी न्यूज चैनल में। दोस्तों, एक पल्स की इम्पोर्टेंट न्यूज आई है जो कि मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करें, और दोस्तों अगर सब्सक्राइब का बटन सफेद है तो क्लिक ना करें। और देखिए आपके स्क्रीन पर एक ऐसा बेल आइकन भी नजर आ रहा होगा सब्सक्राइब के बटन के साइड में, अगर आपके स्क्रीन पर ऐसा बेल आइकन है तो उस पर क्लिक करके उसको ऐसा कर लीजिए। दोस्तों पल्स कंपनी के एमडी निर्मल सिंह भंगू समेत चार लोगों को कोर्ट में पेश किया गया था। दोस्तों आपको यह खबर पूरा पढ़ के सुना देता हूँ। दोस्तों यह खबर 14 मार्च यानी कि कल पंजाब के भास्कर न्यूज़पेपर में छपी है, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको यह खबर पूरा पढ़ के सुना देता हूँ। पर्ल ग्रुप के एमडी निर्मल सिंह भंगू और उनके साढ़ू समेत चार लोगों को बठिंडा और दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने अगली पेशी 26 मार्च तय की है। फरीदकोट के राजकुमार की शिकायत पर 2016 में थाना कैंट पुलिस ने पर्ल ग्रुप के एमडी निर्मल सिंह भंगू, साढ़ू सुखदेव सिंह और कंपनी के दो निवेशकों गुरमीत सिंह और सुप्रिय भट्टाचार्य के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया था। थाना कैंट के उस समय के प्रभारी रॉबिन हंस, जो इस समय अमृतसर में तैनात हैं और केस के जांच अधिकारी हैं, वह भी मंगलवार को बठिंडा पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि भंगू बठिंडा जेल में बंद है जबकि बाकी तीनों तिहाड़ जेल में हैं। सीबीआई ने 19 फरवरी 2014 को पल्स के 60 वर्षीय संस्थापक निर्मल सिंह भंगू पर देश के सबसे बड़े चिटफंड घोटाले 45,000 करोड़ रुपए को चलाने पर केस दर्ज किया था। करीब 2 साल बाद उन्हें सीबीआई गिरफ्तार करने में सफल हुई। बठिंडा में पर्ल के पास 300 करोड़ रुपए से अधिक की पर्ल कॉलोनी है। तो दोस्तों यह थी खबर 14 मार्च 2018 की। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि हो सकता है निर्मल सिंह भंगू को कोर्ट में पेश किया जाए, और वही हुआ दोस्तों, और अगली पेशी 26 मार्च को है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, पल्स की आने वाली सभी खबरें आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों अगर आपको ये न्यूज़पेपर की कटिंग चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज से ले सकते हैं, वहाँ मैंने इस न्यूज़पेपर की कटिंग को अपलोड कर दिया है। और दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े तो अभी जाएं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें, ताकि दोस्तों वहाँ से भी आपको पल्स की अपडेट मिलती रहे। हमारे फेसबुक पेज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या तो आप डायरेक्ट फेसबुक पर एमटीडी न्यूज़ भी सर्च कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अब अगली वीडियो में कुछ और भी नई जानकारी के साथ। गुड बाय दोस्तों।